जो शिंदे गुट के हैं, ये जो यूबीटी गुट के हैं, ये तमाम क्रेडिट लेने के पीछे लगे हुए थे कि मैंने किया मैंने किया। मस्जिदों पे आसान हो रही थी, उसकी वीडियो बनाकर रिट पिटीशन फाइल की गई है। इनके शौहर ये जो आज भाई वोट दो भाई वोट दो, अरे ये आज इलेक्शन का वक्त है इसलिए आपको भाई कह रहे, वरना इनके दिल में है और ये बाद में जैसे इलेक्शन खत्म होगा हम तमामों को क्या बोलेगा, काहे का भाई तू तो कसम। मैं एडवोकेट आसमा शेख 174 कुरला एससी रिजर्व वार्ड से इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। मैं गोवंडी से कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ। यहाँ पे पार्टी ने मुझे भरोसा करके यहाँ से टिकट दिया और मैं इस भरोसे पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। और तमाम यहाँ पे कसाईवाड़ा भंटर भवन कुरेश नगर के लोगों से आज इस डायस से ये वादा करती हूँ कि हम मजलिशी सिपाही भागने वालों में से नहीं है। हर लड़ाई आपकी लड़ाई, चाहे वो गली से दिल्ली तक की होगी, हम सड़कों पर उतरकर आपके सामने साथ में खड़े रहकर हर लड़ाई का हर नाइंसाफी का पूरी तरह से बदला लेंगे। मेरे भाइयों, ये दुश्मन समझ ले, पत्ते सूखे पत्ते नहीं है हम, सूखे पत्ते नहीं है हम जो उड़ जाएंगे। जाके तूफानों से कह दो औकात में रहे। भाइयों, यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। इस साल विधानसभा के इलेक्शन में या जो कुरला विधानसभा है यहाँ पे टक्कर की कांटे की लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप लोगों का साथ, आप तमाम भाइयों का, मेरी बहनों का साथ इस बहन को मिल रहा है। ये घड़ी है इंसाफ की, ये घड़ी है, ये वक्त है। जो ज्यादतियाँ हुई इस कुरेश नगर इस कसाईवाड़ा में, उसका एक एक हिसाब लेने की भूल गए भाइयों? आपका रास्ता बंद करवाया गया, याद है ना? जरा बोलिए, याद है कि नहीं? आपका जो सालों से रास्ता जो आप लोग यूज कर रहे थे उसको बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद ये बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुए ये तमाम लोग। ये तो भाइयों हमारी कमजोरी है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। सारा सेकुलरिज्म का ठीकरा हमने अपने कंधों पर डाल के रखा हुआ है, हम ही है जो लेके चल रहे हैं। भाइयों हमको मिलके रहना है, हम बिलीव करते हैं एकता में ताकत होती है, लेकिन कब तक नाइंसाफी को बर्दाश्त करेंगे? आज ये मशाल वाले यूबीटी वाले आज जा जाके लोगों के कानों में क्या कह रहे, अरे पतंग वाली को नहीं देना नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे मेरी बहन, तू कौन सी बीजेपी से कम है? तेरी ऑफिस में जब मेरी कोई प्रधानेशन बहन जाती है तो क्या कहा जाता है, नकाब बाहर निकाल के रख। क्यों? नहीं तो मेरा जो हिंदू मतदार है, मेरा वोट बैंक है, वो नाराज हो जाएगा। फिर क्यों वोट लेने को आते हैं? आज ये क्यों मांग रहे वोट दाढ़ी टोपी वालों से? ये क्यों मांग रहे वोट मेरी नकाब वाली बहनों से? ये सिर्फ और सिर्फ हमको बहकाने का काम कर रहे हैं। कोई कोई बीजेपी नहीं आती, कोई नहीं आती, सिर्फ आती है तो पतंग आती है। एक बार जोरदार बोलिए, कौन आता है? जोर से, आवाज नहीं आ रही है, बुलंदी से बोलिए मेरी बहनों, बोलिए पतंग। हाथ उठाइए, कौन कौन है पतंग के साथ, हाथ उठाइए। यहाँ भाइयों थोड़ा हौसला बढ़ाओ इस बहन का, मेरी बहनों हाथ उठाइए। बस यहाँ पे आएगी तो सिर्फ और सिर्फ पतंग आएगी। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है तब क्या कहा जाता है आप सबको मालूम है, सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी इलेक्शन आता है सब भाई भाई, लेकिन जैसे ही खत्म होता है तो मस्जिदों में घुस के मारने की बातें,
तो किसी बीफ खाने वाले को मारने की बातें, मॉब लिंचिंग की बातें, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा सारी सेकुलरिज्म की बातें, सारे बातें यूनिटी की। मेरे भाइयों, हमको इनके बहलावे में इस बार नहीं आना है। दिमाग से, दिल से सोचना है कैंडिडेट कौन आपका काम कर सकता है। एक को तो 10 साल से देख रहे हैं और एक सिटिंग कॉर्पोरेटर है 169 से, उसको पूछिए अपने वार्ड का विकास हो गया, जो आज पूरे विधानसभा का विकास करने निकली है। आप सबको पता है वार्ड का क्या विकास हुआ है। आज भी लोग वहां पे परेशान है, जिन्होंने वोट दिया वो परेशान है। कोई बहकावे मत बताओ, बाद में पछताना पड़ेगा। अपने वोट का हक है, उसको सोच समझ के पतंग को डालिए, देखिए कि आपकी लड़ाई कौन लड़ने वाला है। मेरे भाइयों, अभी हम सभी हमारे नकीबे मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने वाले हैं। आपने मेरी बातें सुनी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपने दो बातें यही खत्म करूंगी। जय भीम जय मिम।